दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप सिर्फ एप्लीकेशन नंबर डालकर अपना पुलिस कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, वो भी दोस्तों अपने मोबाइल से फ्री में। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लाइव देने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा आपके मोबाइल के गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जाने के बाद दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना होगा राजस्थान पुलिस। तो दोस्तों मैं गूगल पे राजस्थान पुलिस सर्च कर लेता हूँ। जैसे आप राजस्थान पुलिस सर्च करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों आपको ये क्रॉस कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे फर्स्ट नंबर पर देख पा रहे हो कि राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2019। तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2019 और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है क्लिक हर नो योर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस लिंक पे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे साइड में एक चीज देखने को मिल रही है कि वी एप्लीकेशन और गेट एडमिट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप एडमिट कार्ड पे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एडमिट कार्ड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको मेन एग्जाम पे क्लिक करना होगा। मेन एग्जाम पे क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी होगी। डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों जैसे आप गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, वो भी सिर्फ एप्लीकेशन नंबर से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।